छतरपुर तहसील कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं छतरपुर तहसीलदार सुनील वर्मा की कार्यप्रणाली को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। आज मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे अधिवक्ताओं ने तहसीलदार हटाओ भ्रष्टाचार मिटाओ के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष राकेश दीक्षित ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि तहसील कार्यालय में नामांतरण संबंधित कार्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसको लेकर आज कलेक्टर छतरपुर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई है। पूरे मामले में अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि यदि आगामी 13 मार्च तक कार्यवाही नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं पूरे मामले में ADM नमः शिवाय अर्जरिया ने कहा कि छतरपुर तहसीलदार की अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। संबंध में और प्रभारी तहसीलदार सुनील वर्मा जी के विरोध में उनको हटाए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। हमारे तहसील के हमारे अधिवक्तागण बहुत परेशान हैं, उनको बेइज्जती की जाती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और नियमानुसार कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय से कि आप व्यवस्था को बनाए, सुचारू रूप से जिले की व्यवस्था चले और हम अधिवक्ताओं का मान सम्मान बना रहे और पक्षकारों को उसमें लाभ मिले, न्याय मिले, यही हमारी मांग। आप लोगों ने आरोप लगाया कि वो पैसे लेकर काम करते हैं, जमानत खारिज कर देते हैं। अब ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जो जांच में आ जाएंगे सामने। जो भी कहा गया है वो गलत नहीं कहा गया होगा। हमारे अधिवक्तागण तहसील वाले जो जिन लोगों ने हम लोगों को बताया है जिला अधिवक्ता संघ में आकर कि इस तरीके से कार्य किया जाता है, वो निश्चित रूप से तहसील के अधिवक्तागण उसमें बताएंगे कि किस तरीके से कार्य किन किन लोगों से पैसा लिया जाता है, किन किन लोगों के साथ ये गलत व्यवहार किया जाता है। ADM साहब ने कहा जाँच का विषय, जाँच करते हैं और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जाँच करके कार्रवाई नहीं की जाती तो हम लोग 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएंगे। आज जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा जो प्रभारी तहसीलदार हैं छतरपुर में, उनके विरुद्ध कुछ अनियमितताओं को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। उनमें भी शासन की शिकायत हमें प्राप्त हुई है, उसमें जांच की जा रही है और आगे जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो उसमें की जाएगी। 43-44 के मुद्दे को लेकर भी जो है वकील परेशान रहते हैं। 43-44 और 43-44 इस संबंध में आगे परीक्षण किया जा रहा है, जो उचित होगा वो। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।